एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के मन में गोडसे मुंह में गांधी रहते हैं। मिश्रा ने कहा, हम आतंकवादी मानसिकता के विरोधी हैं और जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है हम उसका विरोध करते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह है। मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह के मन में गोडसे और मुंह में गांधी रहते हैं, हम आतंकवादी मानसिकता और टुकड़े टुकड़े गैंग का विरोध करते हैं। उन्होंने कहा, हम कोरोना वैक्सीन सिर्फ पाक को नहीं 65 देशों को दे रहे हैं। दिग्विजय सिंह मुसलमानों को बरगलाना चाहते हैं। दरअसल दिग्विजय सिंह के क्या है कि मन में गोडसे और मुंह में गांधी रहते हैं। अपने बड़े भाई कमलनाथ जी से अगर पूछ लेते गोडसे के बारे में तो वो ज्यादा अच्छा बताते। ये जो इस तरह के ट्वीट है जिस पर आप लोग ध्यान देते हैं वो जान पूछ के करते हैं। मोदी जी ने वैक्सीन बना के भारत को विश्वगुरु की तरफ बढ़ाया। ये वैक्सीन अकेले पाकिस्तान को नहीं दे रहे, 65 देशों को वैक्सीन जा रही है। सबका साथ सबका विकास। दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति करके इस तरह की बातें करके मुसलमानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं। मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, आतंकवादी मानसिकता की विरोधी है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस मानसिकता के हैं और इस मानसिकता के हर वर्ग में हैं, टुकड़े टुकड़े वाले, उन सबका भारतीय जनता पार्टी विरोध कर। आज वैश्विक छवि लेके मोदी जी बढ़ रहे हैं, यही पीड़ा है, यही प्रसव वेदना उनकी है। मिश्रा ने कहा, विश्व का हर देश मोदी के कुशल नेतृत्व की तारीफ कर रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव पर उन्होंने कहा, दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर ढीला था, जो डॉक्टर 24 घंटे में पैर जोड़ देता है उसकी देश की बहुत जरूरत है। वैसे ममता दीदी राजनीतिक पाखंड कर रही हैं। विवियन रिचर्ड ने भी वहां पर वैक्सीन गई तो तारीफ की। विश्व के ऐसा कोई देश नहीं है जो आज मोदी जी के कुशल नेतृत्व की तारीफ नहीं कर रहा हो। अब दिक्कत तो एक्चुअल में इन्हीं लोगों को हो रही है जो कांग्रेस को रसातल में ले जा रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे, थोड़ा इंतजार करें। दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर झूठा था समझ नहीं आया। और दीदी वो डॉक्टर जो 24 घंटे में हड्डी जोड़ देता है, प्लास्टर को काट के क्रेप बैंडेज पे ले आता है, उस डॉक्टर की देश को बड़ी जरूरत है। बहुत लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं, उसका मार्गदर्शन तो आप टीवी के माध्यम से बाकी डॉक्टरों का करवाओ। ये पॉलिटिकल पाखंड है और कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल की जनता जानती है, मैं आज पश्चिम बंगाल से आ रहा हूँ, सब लोगों को समझ में आ गया है कि ये राजनीतिक पाखंड है वो जो कर रही हैं। जनता अच्छी तरह से समझ गई है। अब ये खतरनाक शब्द का प्रयोग करके किसको डराना चाहती हैं दीदी? घायल बाघिन क्यों हो रही हैं वो? हमारे तो 134 कार्यकर्ता पहले ही शहीद कर दिए, क्या आदमखोर होने की तरफ है क्या ये इशारा? नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। नाइन टू फाइव जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब? जिंदगी में मौके ही मौके हैं, अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है।
जीवन बीमा द्वारा बचत क्यों करें? ये बचत के साथ जोखिम भी कवर करता है। ये कंपलसरी और सिस्टमैटिक सेविंग्स के साथ बचत प्रदान करता है। ये कर्ज वगैरह के रूप में लिक्विडिटी देता है। इन्हें कोलैटरल सिक्योरिटी के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। लागू नियम अनुसार टैक्स कंसेशन भी मिलता है और पात्रता के आधार पर पाएं बोनस के रूप में लाभ। भविष्य में अगर कोई जरूरत पड़ जाए तो आप पर है हमारी सुरक्षा की छाया। LIC, हर पल आपके साथ। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।